नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बाराबंकी सिरोली गोसपुर की बड़ी खबर, जर्जर पुलिया दे रही है राहगीरों को मौत की दावत। आपको बता दें कि कस्बा बदोसराय में मोहल्ला के अब्दुल सलाम सब्जी फरोश व मिल्लू कबाड़ी की दुकान के पास में एक पुलिया पड़ती है जो निहायत ही बहुत जर्जर हो चुकी है, जिससे पुलिया पर आए दिन भयानक हादसे होते रहते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक 10 टायर ट्रक वहां से गुजरते हुए उस पुलिया पर पलट गया था, जिससे भयानक दुर्घटना होते होते बचा, इसलिए कि हाईवे का रास्ता है, लोडिंग गाड़ियां हर वक्त वहां से निकलती रहती हैं और पुलिया एकदम ध्वस्त हो चुकी है, कभी भी टूट जाने का अंदेशा है। इसलिए वहां के मोहल्ला वासियों ने शासन प्रशासन से पुलिया पर नजर डालने की बात कही है, ताकि इस पुलिया का जल्द से जल्द निर्माण हो जाए और दोबारा आगे से कोई दुर्घटना न हो सके। सिरोली गोसपुर से संवाददाता बबलू के साथ कैमरामैन मोहम्मद आमिर की खास रिपोर्ट। मैं इंडिया एक्शन की तरफ से ये कस्बा बदोसराय में काफी दिनों से टूटी हुई पुलिया, जिसमें पूरे मोहल्लेवासी परेशान, मेन रोड जो लखनऊ बाराबंकी रामनगर टू बदोसराय होती हुई ये रोड सीधे टिकट नगर कटुआ धाम होते हुए सीधे हाईवे से जाके फैजाबाद हाईवे से मिलती है। ये पुलिया टूटी हुई काफ़ी दिनों से दावत देती हुई, यहाँ पर हादसे का कई हादसे हो चुके हैं। एक बार यहाँ पर 10 टैरा गाड़ी जो मोरंग से लगी हुई इसमें पलट गई थी, और ये हाईवे रोड है, जब कटुआ का महादेवा का मेला होता है तब भी यहाँ पे डिवाइजन कर दी जाती गाड़ियाँ तो इधर से निकलती हैं। आइए अपने कुछ मोहल्लेवासी को जो परेशानियाँ उनसे बात करते हैं। काफ़ी मोहल्लेवासी परेशान और दुकानदार परेशान, व्यापारी परेशान है। मैं अभी एक व्यापारी से बात करना चाहता हूँ, तो आइए व्यापारी से बात। ये पुलिया कब से टूटी हुई है? करीब 6 महीने हो गया है। इससे मोहल्लेवासियों को बहुत दिक्कत है, पाए गल कर रहे और हाथ हो रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई दुखा रहा है, डेली होता है। तो इस तरीके यहाँ हादसे हुआ करते हैं। शासन प्रशासन से गुजारिश है कि इस पुलिया का निर्माण कराया जाए और मोहल्ले वासियों को परेशानियां दूर हों। इंडिया 18 की खास खबर, संवाददाता बबलू और कैमरामैन आमिर के साथ में, नमस्कार।